साल 2020 में कोरोना की वजह से त्योहारों की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई थी। ऐसे में सभी को साल 2021 का बेसब्री से इंतजार था। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि साल 2021 में आने वाले सभी व्रत और त्योहारों के बारे में। मगर उससे पहले, अगर आपने अभी तक लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। संकष्टी चतुर्थी। साल के दूसरे दिन ही यानी 2 जनवरी को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर रखा जाता है। इस दिन भगवान गणेश की आराधना की जाती है। हिंदू धर्म के मुताबिक संकष्टी चतुर्थी के व्रत को बहुत ही शुभ माना जाता है। सफला एकादशी। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। हर महीने 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। सफला एकादशी व्रत 9 जनवरी को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे सफला एकादशी कहा जाता है। लोहड़ी। लोहड़ी का पर्व वैसे तो हर साल 13 जनवरी को ही मनाया जाता है। ये पर्व पंजाब की संस्कृति का पर्व है, लेकिन पूरे उत्तर भारत में इसे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। सूर्यदेव 14 जनवरी को धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इसी के साथ खर मास का अंत हो जाएगा। सूर्य के गोचर को संक्रांति कहा जाता है। पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी का व्रत इस बार 24 जनवरी को रखा जाएगा। मान्यता है कि इसका व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पौष पूर्णिमा। 28 जनवरी को माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है। माघ महीने में स्नान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन पौष पूर्णिमा है। पुराणों के मुताबिक इस पूर्णिमा पर विष्णु भगवान स्वयं गंगा में निवास करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही धर्म से जुड़ी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लोकमत हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।